ग्वालियर के ग्राम खीरी में विराट दंगल हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब हरियाणा के पहलवानों ने अखाड़े में अपना जौहर दिखाया। ग्वालियर के ग्राम खीरी में विशाल दंगल का आयोजन किया गया। संबंध में सोनू बघेल ने बताया कि हमारे पूर्वजों को कुश्ती का शौक था, जिसको लेकर एक बार फिर 15 साल बाद हमारे गांव में दंगल किया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में लगभग 300 पहलवान शामिल हुए। संघर्ष किया अपने जीवन में और आर्मी की सर्विस ली, वो भी मेडल के बदौलत, कुश्ती के दम पर। फिर उसके बाद बीएससी का भी एग्जाम करके इनका प्रेम जो मिट्टी के प्रति, गांव के प्रति और गांव के खेलों के प्रति ज्यादा रहा, और हमेशा से इनके टीमबाजी भी और समाज में दूध दही और कुश्ती का एक नारा है, दूध दही और कुश्ती, इसको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इन चीजों को, क्योंकि मिट्टी से जुड़ा हमेशा ये मिट्टी का बड़ा सम्मान और धरती माँ का बड़ा सम्मान प्रदेश में किया गया है। बहुत सारी जीती है, मध्य प्रदेश केसरी राव दो बार, पिंड केसरी राव दो बार, फिलहाल तो महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ, सांगली कोला खेल में वहाँ के दंगल करता हूँ अभी। व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है और ग्वालियर आने मुझे बहुत सम्मान भी मिला, बड़े बड़े पहलवान भी यहाँ पे, बड़े बड़े मतलब धनीपा लोग हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ आने में मुझे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।